नमस्कार, मैं हूं मोहित। कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में 5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की सेवा में लगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बात की और इस महामारी से निपटने के लिए सुझाव और सहयोग मांगा। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि यूपी में अस्पतालों में डॉक्टरों के पास ढंग के उपकरण नहीं है, डॉक्टरों को पहले मजबूत किया जाए, बाकी लॉकडाउन में भूखे पैसे लोगों की सहायता के लिए वो काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने फोन पर मोदी से कहा, संकट की इस घड़ी में हम राजनीति को किनारे रखकर गरीब मजदूर लोगों की मदद कर रहे हैं। मोदी जी अखिलेश की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अखिलेश ने मोदी को अपनी तमाम समाजवादी योजना याद दिलाई। अखिलेश ने कहा, बीजेपी चाहे तो उनकी योजनाओं के नाम बदल कर उनकी सरकार में चल रही योजनाओं के माध्यम से भी लोगों की मदद कर सकते हैं, उसका पूरा डेटाबेस तैयार है। अखिलेश के बाद मोदी ने मुलायम सिंह यादव से भी कोरोना संकट से निपटने के लिए सहयोग व सुझाव मांगे। मुलायम सिंह यादव ने मोदी को भरोसा दिलाया कि समाजवादी लोग समाज के लोगों के बीच काम कर रहे हैं, अगर मोदी जी किसी और तरीके की मदद चाहते हैं तो वो भी करने के लिए तैयार हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि मोदी जी मुलायम को फोन करके सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री अलग अलग उन दलों के मुखियाओं से बात कर रहे थे जिनके पास 5 से ज्यादा सांसद हों, लेकिन अखिलेश और मुलायम को अलग अलग फोन करना ये दिखाता है कि यूपी में समाजवादियों की ताकत का एहसास प्रधानमंत्री मोदी जी को भी है, क्योंकि एकलौती समाजवादी पार्टी है जो यूपी में बीजेपी सरकार को हराने की दम रखती है। अगर खबर अच्छी लगी तो अपने चैनल भारत एक सोच को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को खूब शेयर करें। मिलते हैं कल नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।